हे गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जो लोग यहाँ पे एक दो दिन के अंदर आईफोन 13 या 14 वाला मॉडल कोई सा भी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस टाइम पे बिल्कुल परचेज मत करना, क्योंकि काफ़ी बढ़िया एक प्राइस ड्रॉप हमें देखने के लिए मिलने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में एक सजेशन आपके लिए काफ़ी बढ़िया मैं दूंगा कि आपको कौन सा मॉडल परचेज करना चाहिए अगर आप लोग कन्फ्यूज हैं आईफोन 13 या फिर 14 के बीच में। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुमित, वेलकम बैक टू माई चैनल जिसपे हम करते हैं ऐसे ही टैक और सेल के रिगार्डिंग बातें। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इन सब चीजों में तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वाली जो जनता है उसको और ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब सीधे स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। तो अगर आप लोग आने वाली वीक के अंदर आईफोन 14 या फिर 13 का वेरिएंट कोई भी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करा होगा कि कोई सेल फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऊपर आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं अश्योर कर देता हूँ कि इस वाली वीक के अंदर आप कोई भी फ़ोन परचेज मत करना, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको जो है आईफोन 14 और 14 प्लस और साथ में आईफोन 13 के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया प्राइस ड्रॉप एक बार फिर से देखने के लिए मिलने वाला है। आईफोन 14 और 14 प्लस के प्राइस ड्रॉप के बारे में बात करें तो दोनों मॉडल के अंदर आपको 8 से लेकर 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके एडिशनल जो आपको बैंक ऑफर्स है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे जो सबसे बढ़िया ऑफर रहता है वो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का। तो जिनके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आपको जो है ऑन MRP 5% का जो एडिशनल डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और जिन लोगों के पास ये वाला क्रेडिट कार्ड नहीं है, फ्लिपकार्ट पे काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो आप सभी लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि ये वाला कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के। आपको जो है मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कुछ भी ऐसा नहीं है, 5% का ऑन MRP डिस्काउंट आपको एडिशनल देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे जिन लोगों के पास ये कार्ड है तो आपको और भी अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो लोग यहाँ पे आईफोन 13 को बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वाली सेल के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो अपकमिंग सेल है यहाँ पे आईफोन 14 और 14 प्लस यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाले हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर फर्स्ट टाइम आईफोन 14 का यहाँ पे हमें कोई बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको कम से कम 2 से लेकर 3,000 रुपए तक का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में कार्ड ऑफर्स भी आप जो है इंक्लूड इसके अंदर कर लीजिए। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है और आप सभी लोगों को मैं ये अच्छे से क्लियर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आईफोन 13 का प्राइस है इस टाइम पे आपको 60 से लेकर 61,000 रुपीस तक देखने के लिए मिल जाता है। और इसी प्राइस पॉइंट के आसपास ही आपको जो है आईफोन 14 भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो है जो लोग आईफोन 13 की तरफ परचेस करने के लिए जा रहे थे वो भी अब सोचेंगे कि हम अपग्रेड करके आईफोन 14 परचेस कर लेते हैं। और यही चीज मेरे को आप सभी लोगों को क्लियर करनी थी कि जो लोग इस टाइम पे कंफ्यूज हैं या फिर सेल के टाइम पे प्राइस देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलर प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिलेगी कि आईफोन 13 परचेज करें या फिर आईफोन 14। तो यहां पे आप सभी लोगों को मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आप अपना पैसा सेव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आईफोन 13 परचेज करिए। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आईफोन 13 या 14 के अंदर नहीं है, चाहे वो डिस्प्ले में हो या फिर कैमरा में, वो सारे फीचर्स भी आपको आईफोन 13 के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गो फॉर आईफोन 13। लेकिन अगर आप लोगों को आईफोन 14 प्लस की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और बजट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो आप सभी लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगा कि डेफिनेटली गो फॉर इट। अब चाहे आप इसको कंपेयर करें आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 से, आपको दो बड़े अपग्रेड इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहला अपग्रेड है कि इसकी डिस्प्ले आपको जो है वो बड़ी देखने के लिए मिलती है आईफोन 14 और आईफोन 13 से, और सिमिलर ही फ़ोन है आईफोन 13 और 14। तो पहला आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर काफ़ी बड़ा अपग्रेड देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो बड़ी है। सेकेंड अपग्रेड के बारे में बात करें तो जितना आप बजट इंक्रीज करा रहे हैं वो सारा पैसा आपका ये वाला अपग्रेड जो है वो वसूल करवा देगा। वो ये कि इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाता है पूरे आईफोन 14 लाइनअप के अंदर। भले ही वो 1.5 लाख रुपए का आईफोन 14 प्रो क्यों ना हो, उससे भी बढ़िया बैटरी बैकअप आपको इस वाले डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल तो यहाँ पे जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं तो सभी की बैटरी लगभग सेम ही चलती है, लेकिन जैसे जैसे आपका डिवाइस पुराना होगा उस टाइम पे आप फील करेंगे कि जितने भी आईफोन 14 के मॉडल्स हैं उसके हिसाब से आपका जो फ़ोन है उसकी बैटरी काफ़ी बढ़िया चल रही है। तो ये दोनों अपग्रेड आपके जो है अच्छे खासे पैसे वसूल करवा देगी। तो डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आप अपना बजट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी जितनी प्राइसिंग के रिगार्डिंग मेरे पास अपडेट थी वो आप सभी लोगों को मैंने दे दी है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। मैं डेफिनेटली जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड अगर वीडियो रिगार्डिंग कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जितना जल्दी कोशिश होगा उस वीडियो को मैं जरूर लेके आऊँगा। टिल देन मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।